हेलो 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 जी, मैं हूं रणवीर ब्रार और मैं तीन के तड़के में एक बार फिर आ गया हूं आपके लिए ताले खोल। और आज एक सिंपल सी सूजी से हम कई सारे ताले खोल लें। जैसे अब घर पे हर एक को अपने किस्म का नाश्ता चाहिए, आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आप एक सूजी से कैसे तीन नाश्तों के ताले खोल सकते हैं। तो जी तीन के तड़के को शुरू करते हैं, बस तीन के काउंट पे, एक दो तीन, एक्शन। तो सबसे पहले मैं दिखाया था मैंने किया क्या है। ये वो मुंबई रवा है जिसको मुंबई रवा बोलते हैं, यानी कि सूजी है जो ना ज्यादा बारीक है ना ज्यादा मोटी है। उसको मैंने पानी और दही में सोक किया हुआ है, ठीक है। एक कप सूजी, उसमें एक कप दही और आधे से थोड़ा ज्यादा कप पानी, ये प्रोपोर्शन लेना है, याद रहेगा। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। कम से कम इसको एक डेढ़ घंटा छोड़ना है, आधे घंटे में भी काम हो जाएगा, लेकिन आप एक घंटा छोड़ सकते हैं तो टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आगे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब इसी रवे से हम एक मिक्सचर बनाएंगे और उस एक मिक्सचर से तीन नाश्ते बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसी रवे के मिक्सचर के अप्पे, यानी कि पण्यरम। दूसरा तड़का इस मिक्सचर के साथ जो हम लगाएंगे वो है रवा इडली, यानी कि इसी रवे की इडली बनाएंगे ओट्स और कॉर्न के साथ। और तीसरा तड़का जो हम इस रवे का लगाएंगे वो है रवा उत्तपम पिज्जा। एक रवा, तीन तड़के, लेट्स डू दिस। और आपको शुरू शुरू में लगेगा कि यार ये तो दही पानी ज्यादा हो रहा है, सूजी सब पी जाएगी, रवा जो है वो सब खींच लेता है। देखिए रवा जब ये बिल्कुल फूल जाए ना, तब क्या करना है, तब इसके अंदर डालना है तड़का। अब यहाँ पर मैं कॉमन तड़का दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो तड़का भी अलग अलग किस्म का डाल सकते हैं। किसी में सिर्फ दाल का तड़का डाला, किसी में सिर्फ राई का डाला। यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता ले रहा हूँ, उसमें हरी मिर्च, राई, अदरक, इसका तड़का बना रहा हूँ, ठीक है जी। बारीक बारीक अदरक को भी काट लिया, जितना बारीक अदरक को काट सकते ना उतना काट लीजिए। तो ये तड़का जो है ये हमारा सीधा रवा और दही के मिक्सचर के अंदर चला जाएगा। अभी एक पैन में डाला तेल, ठीक है। अब इस तेल के अंदर ये राई, और क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में मुझे सौंफ हर चीज में डालने में अच्छी लगती है, सौंफ जो है वो ऑप्शनल है, अगर नहीं डालनी तो मत डालें। और ये सारा मसाला डाल के हमने कर दिया मिक्स। अब इसमें डाला नमक। अच्छा, चाहे तो गोटा उड़द या कोई भी दाल जो है वो भी डाल सकते हैं इसमें, और अगर चाहे तो तड़के में तिल डाल सकते हैं। जैसे गर्मियों में मैंने सौंफ डाली है ना, वैसे सर्दियों में आप तिल डाल सकते हैं। सौंफ जो है वो ठंडक देती है, तिल जो है वो गर्मी देते हैं। मैं इसमें सोडा डालूंगा, खाने का सोडा, अंदर का जो दही है वो रिएक्ट करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोफाइल, अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें तो दही जो है वो प्रोबायोटिक होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। दूसरा, जो रवा है उसमें हाई प्रोटीन होता है, लगभग 11% प्रोटीन होता है नेचुरली। तीसरा, वो जो छोटे छोटे तड़के में हमने चीज़ें डाली है ना, वो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि कई बार हमारे खाने में मिसिंग होते हैं। तो न्यूट्रिशनली एक कम्प्लीट फूड है ये, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इडली से शुरू करते हैं। सिर्फ आठ ही इडली बनाएंगे। ये इडली स्टीमर में घी लगा लिया मैंने, ये रिफाइंड ऑयल और इडली का कोई कनेक्शन नहीं है जी। इडली मतलब घी, या फिर कोकोनट ऑयल या फिर सेसमी ऑयल। एक्चुअली क्या है, अच्छा खाना मतलब घी, यानी ये इडली के लिए, यानी कि अपने पहले तड़के के लिए, ठीक है जी। ये बेकिंग सोडा में मैंने तेल मिक्स कर दिया। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं क्यों करता हूँ ऐसा। मैं इसलिए करता हूँ कि जो बेकिंग सोडा है वो एकदम से ना बुझ जाए। तेल जो है वो बेकिंग सोडा को कोट कर लेता है, और जब भी इस मिक्सचर के अंदर का दही उससे रिएक्ट करेगा तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी हवा निकल जाएगी, धीरे धीरे हवा निकलेगी, तो उससे चीज़ और स्पॉन्जी बनेगी, ठीक है जी। और यहाँ पर आप चाहें तो पानी में भी सोक कर सकते हैं रवा, लेकिन इडली ड्राई हो जाएगी। दही से नेचुरल रजाइत, नेचुरल रिचनेस मिलती है। दही की जो सॉफ्टनेस है उसका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए रवे और दही का कॉम्बिनेशन है, हमेशा याद रखिए, जितना रवा उतना दही,
ठीक है जी। देखो मैं कितने अच्छे से समझा रहा हूँ आज, ना मजाक कर रहा हूँ ना ताना कर रहा हूँ। ये भी नहीं बोल रहा कि अगर आपने रवे में डाल दिया पानी और दही नहीं डाला तो आपकी इडली बनने की बजाय बन जाएंगे पत्थर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था दही डालना रवे में, ठीक है जी। जैसे ही मिक्सचर डाल दिया है जाहिर सी बात है कि मिक्सचर फूलना शुरू हो जाएगा और हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समय बर्बाद नहीं करना, मिक्सचर को डालना है इडली मोल्ड में जिसमें हमने घी ऑलरेडी लगाया हुआ है। जाहिर सी बात है पूरा नहीं भरना जी, पूरा भर देंगे तो सारी इडली आ जाएगी बाहर और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि इडली को फूलने की जगह चाहिए। अब इसके ऊपर ये डाल दिया ओट्स, नाइस, और कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न है जी, कॉर्न लिया उसको हल्का सा हल्दी में मैंने बॉयल कर दिया ताकि रंग जो है थोड़ा और चमक जाए, वह दिखने में अच्छा लगता है ना। एंड डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब ये गई स्टीमर में एंड तो जी ये गया तड़का नंबर वन। तड़का नंबर वन यानी कि कॉर्न एंड ओट्स इडली जो बनी है उसी चाबी से, यानी कि रवे के मिक्सचर से। अब तड़का नंबर टू, वही रवे का मिक्सचर लिया और उसको निकाल लिया एक बोल में और उसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, हेलो जी, ये गई लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, क्योंकि धनिया के बगैर हमारी गाड़ी चलती नहीं। देखिए एक रवा, एक मिक्सचर, तीन नाश्ते। और ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। देखिए सोडा जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 टीस्पून डालना है इडली के लिए, इडली ऑलमोस्ट डन है, और 1/4 टीस्पून डालना है अप्पे के लिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर अननेसेसरली सोडे का टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून मतलब चार पोर्शन में 1/4 टीस्पून, लेकिन सोक अच्छे से करना है, दही की जो सोकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा मैं कितने अच्छे से समझा रहा हूँ आज, मैंने ये भी नहीं बोला कि अगर आपने ज़्यादा सोडा डाल दिया तो आप बनाने जाएंगे इडली बन जाएंगे गुब्बारे, उनमें स्वाद आएगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। कितने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आज। डन, ये लीजिए। कभी भी इडली को बैठाएं तो ऐसे एक के ऊपर एक ना बैठाएं, ऐसे ऑल्टरनेट करके बैठाएं ताकि इडली को उठने की जगह मिले। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जैसे पहले बताया था मैंने आपको, ये देखिए नाइस सॉफ्ट नरम, टेस्ट तो कर लें। एंड लाइक आई सेड कोई जरूरी नहीं है कॉर्न डालना। ओह मतलब साहब रूई भी फेल है। ब्यूटिफुल, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तड़का नंबर वन ओट्स एंड कॉर्न इडली, क्या गरम गरम, हाँ धुआं निकल रहा है, नरम लाइक कॉटन। और मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन जो है ना इस इडली के साथ वो है सेजवान चटनी। ओह, और अगर आपको सेजवान चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने पहले बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बट दिस इडली एंड सेजवान चटनी ओह, सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। दूसरा तड़का लगा लेते हैं। नहीं रणवीर तो मतलब ऐसे ही करता है, पहली डिश बनती है उसके बाद तो बस कहता है बस हो गया घर चलो। अभी करते हैं पनीरम की तैयारी। तो पनीरम का ये जो मिक्सचर जिसमें हमने लाल मिर्च, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड धनिया सब ऐड कर दिया है ना, इस मिक्सचर को सोडा डालने के बाद 3 मिनट तो रेस्ट दें, है? क्योंकि प्याज वगैरह अपना पानी छोड़ेगा, उसको मिक्स होने में टाइम लगेगा। पनीरम चट्टी में थोड़ा घी या तेल ऐसे ब्रश के साथ लगा लेना है, ठीक है। देखिए नॉनस्टिक भी है तो रिस्क नहीं लेते ना, सिर्फ आधा भरना है, मतलब
इतना ही भरना है कि आधा बॉल ही बने, पूरा बॉल अपने आप बन जाएगा। ठीक है जी, एंड हियर गोज द लास्ट वन। अब गैस को धीमे करके इसको देना है ढक, ताकि अंदर से वो पकना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर रंग आए, अंदर से पकना भी है, लेकिन पूरा नहीं पकाना, क्योंकि पूरा पका दिया तो फिर पलटेंगे तो वो गोल नहीं होगा। जिस लाइक अ सॉफ्ट सेंटर्ड चॉकलेट केक, बीच से कच्चा रहना चाहिए, तभी पलट देना उसको। और पलटने के लिए सात स्टिक या फिर आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक तो बेस्ट है, अगर आइसक्रीम स्टिक है ना तो वो तो बेस्ट है। थोड़ी देर वापस ढक दें ताकि अंदर से पक जाए। इसमें ना आई लव द अनियन टच। पर्सनली मेरे लिए इसमें रॉ अनियन हमेशा काम करता है, बिकॉज वो एक स्वीटनेस देता है ना, जो रवे के साथ वो स्वीटनेस बड़ी अच्छी लगती है। जैसे उपमा में हम लोग डालते हैं अनियन स्वीटनेस के लिए, वैसे ही व्हेनेवर यू मेक दीज अप्पास थोड़ा रॉ अनियन प्लीज डालेगा। ये 1, 2, 3 और मेरा प्रिय मित्र धनिया। नॉट बैड हाँ, तड़का नंबर 2। देखा कितना सिंपल है, एक रवा, उसने मिलाई थोड़ी सी दही और जादू हो गया, डन। तो जी एक रवा और 2 तड़के लग चुके हैं, खूबसूरत खूबसूरत तड़के है ना। अब तीसरे तड़के की बारी। सॉरी रुकावट के लिए खेद, आज का समय समाप्त। यानी कि तीसरा तड़का जो ईशान का फेवरेट है, रवा पिज्जा, वो लगेगा संडे। ठीक है जी, तो संडे को सुबह 11 बजे आपसे मिलते हैं 3 के तड़के के तीसरे तड़के के साथ। मजा आया ना, तब तक ये 2 डिशेस ट्राई कर लीजिए। अभी तो फ्राइडे है, आपके पास टाइम है, 2 दिन है, ट्राई कीजिए एक एक डिश। संडे को पिज्जे का तड़का, मिलते हैं उस तरफ।